वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेंट सीपीएम। क्वाड्रेंट सीपीएम के अंदर हम लोगों ने पहले लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड लेक्चर के अंदर, जहां पे अगर आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हो तो देखो इसके अंदर होता है क्या। सिंपल सी बात है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आप बहुत ही पॉजिटिव वे से सोच लो कि भाई एक काम निपटना है। मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके घर से आपको कॉलेज जाना है। चलो एग्जांपल लेते हैं, आपके घर से आपको कहाँ पे जाना है, कॉलेज तक जाना है। अब ऑप्टिमिस्टिक बहुत ही पॉजिटिव है तो हम क्या सोचेंगे, ट्रैफिक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो कितना जल्दी आप पहुंच सकते हो। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं तो आप बोलोगे सर 5 मिनट अगर ट्रैफिक अगर कुछ। दूसरा होता है पेसिमिस्टिक, ये उसका ऑपोजिट है। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव सोचो आप। मतलब मान लो आपके घर से अगर कॉलेज के बीच में बहुत ट्रैफिक आ गया, बीच में कोई रोड नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, ये बन रहा है, अब अगर ऐसी कोई घटना घट गई या तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया और ट्रैफिक जाम है, तो आप कितनी देर लग सकते। तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ अगर हो जाए तो 20-25 मिनट लग सकती है मुझे। ये पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या है, 5 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट। और मैंने बोला अगर एवरेज हो तो क्या हो सकता है भाई। मान लो ना तो इतना पॉजिटिव है कि पूरा रोड आपके लिए, आपके राजा महाराजा शहंशाह तो हो नहीं कि आपके लिए पूरा रास्ता खाली हो, तो आप पॉलिटिशियन भी नहीं हो। अब हो सकता है अच्छा विधायक है हमारे, पर आप तो नहीं हो तो आपके लिए वो रास्ता बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे आप। मोस्ट लाइकली तो सर 10 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा, ये मोस्ट लाइकली टाइम हुआ। तो समझ गया हर एक एक्टिविटी का, जैसे यहाँ पे कोई एक्टिविटी दी हुई 1, 2, 2, 2, 2, 3, तो टी हो ऑप्टिमिस्टिक 1 आवर्स हो सकता है, मिनट्स हो सकता है। यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का समय, कुछ भी बताया हुआ नहीं है, सो डिटेल में नहीं जाना। यहाँ पे 1, 3 और 5 आवर्स ले लेते, तो ऑप्टिमिस्टिक 1, मोस्ट लाइकली 3 और पेसिमिस्टिक 5 मिनट। सबका दिया है, हम लोगों को एक एस्टिमेटेड टाइम निकालना है। एस्टिमेटेड टाइम की फॉर्मूला जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है वो ऐसी होती है, TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाय 6। मैंने इस फॉर्मूला को आपकी बुक में जो दी हुई है वो ऐसी कुछ है, TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6। मैंने इसी फॉर्मूला को थोड़ा इंटरचेंज किया, 4TM को पहले लिख दिया, फिर TO किया, फिर TP किया डिवाइडेड बाय 6। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर दिया। देखो सिंपल से, आप कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं तो कैलकुलेटर में करना क्या, कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं तो देखो फटाफट से 4, 3, 12, 12 + 1, 13, 13 + 5 = 18 डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं तो आंसर आ गया 3। समझ में आया, तो आपका कैलकुलेटर में पूरा काम हो जाएगा, कितना भी कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्ट कैलकुलेटर में 4, 3 + 12, 12 + 2 = 14, 14 + 4 = 18 और वापस से ही आ गया 3। भाई देखो ऐसे टी मिल गया हम लोग को। अब टी मिल जाता है उसके बाद आप लोग को पूछा क्या होगा, आपको बोला होगा पर डायग्राम बनाओ और सीपीएम फाइंड करके दो। पर डायग्राम बनाओ और सीपीएम फाइंड करके दो। डायग्राम बनाने के लिए मैंने लास्ट लाइन बोला हुआ था, पर डायग्राम बनाने के वक्त 3 रूल अगर याद हो तो, क्योंकि जगह मिलती जा रही है वैसे वो लोग करते जाते। फिर आए 2 से। अब कभी भी ये लाइन ऐसे कट हो सकती नहीं है, ये पहला रूल याद रखना। पहला रूल, कभी भी कोई लाइन बीच बीच में इंटरेक्ट नहीं होगी तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, गलत। दूसरा इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली गलत क्या है वो मैं बता दूं। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज फॉरवर्ड मूविंग ग्राफ। फॉरवर्ड मतलब दो से जो लाइन जाएगी वो आइदर स्ट्रेट जा सकती, ऐसे की ऐसे जा सकती, या तो ऐसे जा सकती, कभी भी पीछे की ओर जा सकती नहीं है। तो रूल समझे, दो रूल। पहला तो मैंने बोला कि भाई कभी भी कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी और दूसरी चीज कभी भी पीछे जाएगी नहीं। इतना समझ गए आप, स्ट्रेट लाइन होगी, कभी भी ये फ्री हैंड ड्राइंग नहीं है। इसे अगर मैं ऐसा करूं तो 1, 2, 3 ये भी गलत, ये चीज भी चल सकती नहीं। समझ गए, तो स्ट्रेट लाइन आपको स्केल से ही ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट होगी। पहला रूल कौन सा था कि कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी, और तीसरा मोशन दे आर फॉरवर्ड मूविंग, कभी भी वो बैकवर्ड आ सकता
नहीं, अब समझो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हमारे पास एक्टिविटी कौन सी दी है, 1 टू 2 दी है, 1 टू 2 एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पे 1 से 2 बना रहा, फिर बोला 2 से 3, 2 से 3 बना रहा, 2 से 4, 2 से 4 बना, देखो मैंने थोड़ा आगे रखा हुआ है, ये करना प्रैक्टिस करने से, 3 से 4, तो देखो फॉरवर्ड मूविंग हो गया मेरा, 3 से 5, 3 से 5, देखो ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, 4 से 5, तो ऑटोमेटिक सेट हो रहा है, 5 to 6, और बोला हुआ है 4 to 6, हो गई है हमारे पर डायग्राम बन चुका है। अब इसके ऊपर एस्टिमेटेड टाइम लिखते हैं, पहला 1 to 2 जो था उसके लिए 3 था, 2 to 3 जो था उसके लिए भी 3 था, समझ गए? तो आपके पास इतनी चीजें बन चुकी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर डायग्राम। अब आपको फाइंड करना है सीपीएम, सीपीएम का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड, और उसके अंदर हम लोग को ढूंढना है 1 से 6 तक जाने वाले कितने रास्ते, तो देखो 1 से लेके हम लोग को 6, 1 2 3 5 और 6 मुझे ये रास्ता दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी, दूसरा मुझे रास्ता ये है 1 से 2, 2 से 4 पहुंच जाऊं, 4 से 5 पे पहुंचो और 6 पे जाओ, 1 2 4 5 और 6, फिर एक और रास्ता 1 2 4 और डायरेक्ट 6, 1 2 4 और 6, इसके अलावा एक और रास्ता दिखाई दे रहा है 1 2 3, 1 2 और 3, फिर उसके बाद 4 पे आ जाओ, फिर 4 से 5 पे जाओ और 5 से 6 पे जाओ, 1 2 3 4 5 और 6, देखना ध्यान से, एक और रास्ता है 1 3 4 6, 1 3 4 और 6, तो टोटल रास्ता हमारे पास 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 और 6, फिर हमने मिला 1 2 4 5 6, 1 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 6 रास्ते मिल गए। अब इसका जो है वो क्या हो, इसका हो रहा है 3 + 3 + 4 + 3 30, ये जो रास्ता है उसके अंदर हमारे पास है 3 + 20, इन सब में से ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, भाई ले रहा है 24, तो हमारा सीपीएम जो हो गया दैट इज 24, और क्रिटिकल पाथ जो है, पाथ इसे बोला जाएगा क्रिटिकल पाथ, समझ में आया ये बात, यहां तक किसी को डाउट है देख लो आप शांति से देख लो, अगर कोई डाउट आउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, ऐसे बहुत सारे सम्स आपके बुक के अंदर दिए हुए, मुझे एक बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सम क्यों नहीं बता देते, तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई आउट करेंगे, या तो आप लोग का जहां पे भी टीओ टीएम और टीपी दिखाई दे वो वाला कर लेना, तो ऑटोमेटिकली आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, किधर भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी चीजें कर ली, ये मैंने टी कैसे फाइंड आउट होता है वो इम्पोर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला हमने खाली जंबल करके ये लिखी जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ये डायग्राम मैंने बना दी, डायग्राम के रूल्स ये सारे पाथ, क्लियर डन बराबर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना क्योंकि ये दोनों चीजें आती हुई, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ वो फ्लॉट टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो 110% आपके एग्जाम में आना, 110%, मतलब ये वाला सम आए या ना आए चलो दूसरी बात है, पर फ्लोट टाइम आएगा, तो वो 7 मार्क के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय।